हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। आज हम लोग सीखेंगे सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन जो है आपको पता है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा थोड़ा करके दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में जो है एक ही चैप्टर मोशन इन प्लेन में। तो अभी आपको क्या करना है कि सर्कुलर मोशन अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो स्टेट बोर्ड में तो आपको ऐसा लगेगा कि 11th का पार्ट पढ़ने की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 11th का पार्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा और साथ ही में 12th का भी, क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन चैप्टर है उसके जो नेक्स्ट टर्म्स है ये सारे के सारे बेसिक पे डिपेंड्स है। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग से सर्कुलर मोशन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब मान लो ये जो है ये पार्टिकल है। ओके, और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ओके, मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो इट इज नॉट सर्कुलर मोशन, इट्स अ रोटेशनल मोशन, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम लोग देखेंगे सब वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ऑब्जेक्ट इस पोजिशन से देखिए इस पोजिशन पर जा रहा है ए से बी। ओके, so angle described by the radius vector, angle described by the radius vector during a given time when particle is performing circular motion, मतलब जब particle circular motion perform कर रहा है तो उसके radius vector ने given time में जो भी angle cover किया है उस angle को बोलते हैं हम लोग angular displacement। इसका unit हमेशा होता है SI unit radian, हम लोग degree में ले सकते हैं लेकिन जब calculation का time आता है angle कभी भी अगर calculate करें तो उसका SI unit जो होता है radian रहता है। okay, so अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बाद में आती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग देखेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग नाउ सर्कुलर मोशन एंड वेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन टी। ओके, हम लोग दूसरे फॉर्म में मतलब ये कब यूज करेंगे जब इनिशियल एंगल जीरो रहेगा, उसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं थीटा टू माइनस थीटा वन डिवाइडेड बाई टी, या फिर हम लोग टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन एंगल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। और मान लो हम लोग डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं लिमिट प्रोवाइड करते हैं लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और अगर एक थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम देन इट कन्वर्ट इनटू डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी टी। इतने सारे टर्म्स होते हैं, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन हम लोग देखेंगे तो एंगल के डायमेंशन क्या होते हैं जीरो, बिकॉज एंगल इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, राइट, और इसका आएगा एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। देन हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। सो व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ऐसे हम लोग थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन डिवाइडेड बाई टी, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और अल्फा इज इक्वल टू अगर ये कब यूज करते हैं हम लोग व्हेन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, इट इज नियरली इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग लिमिट डालते हैं ये हो जाता है ओमेगा बाय टी इज इक्वल टू हम लोग डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा इफ ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, इसका लिमिट आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड, और इसका सेकेंड मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसके डायमेंशन आएंगे एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू। ओके,
अभी हम लोग इसकी डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन कैसी होती है। नाउ सपोज दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड दिस सर्कल, तो अभी क्या करना है हमें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, इसके लिए राइट हैंड रूल है। अभी हम लोग देखेंगे, कंसिडर दैट और इमेजिन दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब हम लोग ये पार्टिकल घूम रहा है इस एक्सिस के सराउंडिंग में, ओके सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस, दिस एक्सिस को हमने हेल्ड किया है राइट हैंड में एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड, ओके। इफ द कर्ल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कर्ल फिंगर जो है सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन डिनोट कर रही है, देन द थंब डिनोट्स द डायरेक्शन, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों नहीं बोला वो भी बताता हूँ, ओके सो ध्यान में रखिए कि सर्कुलर मोशन अगर कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में है देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, ओके। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इस सेम डायरेक्शन में रहेगा, ओके अगर मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो है सेम डायरेक्शन में रहेगा। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन द एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ओके मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो सेम डायरेक्शन में कब होते हैं, व्हेन बोथ आर इन, सॉरी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम डायरेक्शन, एंड व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके सो समझ में आपको डायरेक्शन। नाउ वी सी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है हम लोग देखेंगे। नाउ कंसीडर एन पार्टिकल और ऑब्जेक्ट व्हिच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके। नाउ वो जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस है आर, वो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका पोजीशन ए से पोजीशन बी तक हो है डेल्टा एस, ओके एंड इट डिस्क्राइब्स एन एंगल इन द गिवन टाइम डेल्टा टी इज डेल्टा थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे ना, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो, बहुत ही छोटा है एट दैट टाइम डेल्टा थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, मतलब ये आर्क जो है हम लोग लिख सकते हैं देन आर्क ए बी इज इक्वल टू कॉट ए बी एंड इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस, राइट। सो हम लोग हमें पता है एंगल की डेफिनेशन, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर, राइट। सो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। वी कैन आल्सो राइट इन वेक्टर फॉर्म डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ओके हम लोग देख सकते हैं कि सही आएगा कि नहीं डेल्टा एस, सॉरी ओके सो डेल्टा एस वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। अभी हम लोग सही है कि नहीं देखेंगे वेक्टर लॉ से, राइट। अभी जो ब्लू मार्क है डेल्टा थीटा की डायरेक्शन रहेगी, आर की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, राइट। सो एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा इस डायरेक्शन में, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ओके। सो अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अभी हम लोग देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकालें, वेलोसिटी का रिलेशन देखना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें पता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सो डेल्टा एस वैल्यू हम लोग ये डाल सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लेकिन आर जो है वो तो रेडियस जो है कॉन्स्टेंट रहेगी, तो रेडियस हम लोग बाहर देख सकते हैं लिमिट के, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो या फिर रहेगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और यह हमें पता है इज ओमेगा, सो वी कैन राइट आर ओमेगा और वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये होता है दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यूसीएम, यूसीएम इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसकी जो मोशन है मतलब एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी कैसे रहती है कॉन्स्टेंट, लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट
लीनियर डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे, हमने अभी रिलेशन देखा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, राइट, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा की डायरेक्शन ऐसी है, r की डायरेक्शन ऐसी है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे रहेगी, हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, राइट, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। तो अभी क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंजिंग, so uniform circular motion क्या होता है, uniform circular motion is the motion of the particle along the circumference of the circle with a constant speed, okay, means in this motion angular velocity is constant, magnitude of linear velocity is constant, but the direction of angular velocity, direction of linear velocity is continuously changing, therefore this motion is an accelerated motion, though uniform circular motion is a constant, is having constant speed, but still it is accelerated motion क्योंकि velocity की direction continuously change हो रही है, okay, so वही हमारा next topic है acceleration, so ऐसा कौन सा acceleration है जिसकी वजह से कि velocity की direction continuously change होती है, see, अभी हम लोग देखेंगे कि object यहाँ से अगर यहाँ जाने वाला था, मतलब इसकी velocity की direction ऐसी, but क्या हो गया, यहाँ पे आते आते इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, यहाँ पे आते आते इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली, राइट, और कंटिन्यूअसली सर्कुलेट हो रहा है, उसके साथ ही उसकी डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, सो देयर इज एन एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, एक्सेलरेशन, ओके, सो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा फिर, अगर ऐसे जा रहा है तो एक्सेलरेशन उसको यहाँ पे पुल कर रहा है, ऐसे जाने वाला था तो यहाँ पे पुल कर लिया, ओके, सो दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ओके, हम लोग ऐसा यहाँ पे लिखेंगे रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, एंड अलोंग द ऐसा एक्सेलरेशन है जो ऑलवेज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, जो कि सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर वहां पे स्पीड कांस्टेंट भी रहा तो भी एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आती है एग्जाम में तो आप लिखोगे द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब डेफिनेशन है उसका, हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ओके, नाउ कंसीडर दिस पार्टिकल पी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ओके, विद द सेंटर ओ, ओके, तो अभी क्या करना है, एंड विद अ कांस्टेंट एंगुलर, सॉरी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओके, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो अभी हमें क्या करना है, सो हमें पता है कि ओपी, ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, मतलब पी इज एनी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच विच हैव कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ओके, तो हम लोग उसका जो लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओके, वी नो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हमने सीखा है ऑलरेडी, ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आर कॉस ऑफ थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा है, ओके, बट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट राइट नाउ, ओमेगा किसका कांस्टेंट है, सो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, सो वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, velocity is equal to dr by dt, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, right? rate of change of radius vector with respect to time is velocity, right? so अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा है मैंने, see, इस तरीके का था, sorry, ये radius, इसको हम लोग r1 vector और इसको बोलेंगे r2 vector, दोनों का magnitude से directions कैसे opposite है, तो वो दोनों कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर यहाँ पे रेड कलर से मैं निकाल रहा हूँ, ओके, इसको मैं
नाम देता हूँ आर डैश, दो मिनट के आर डैश नाम दे दिया। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर रूल, वेक्टर रूल क्या आएगा, आर वन प्लस आर डैश, राइट, आर वन वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर टू वेक्टर, राइट। सो इसका मतलब क्या होगा, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन। व्हाट इज आर डैश, आर डैश इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तो पार्टिकल जब जाएगा तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो रहेगा आर डैश, यानी कि आर टू माइनस आर वन मतलब फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस, राइट। सो देयरफॉर हमने यहाँ पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। ओके सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर ओपी मतलब क्या है, यहाँ पे आर आर वेक्टर हम लोग डालेंगे यहाँ पे एक्स आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई, राइट, प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे, राइट। अब इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे, सो यहाँ क्या क्या आएगा, डी डी टी ऑफ आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे। ओके तो अभी हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, आर कांस्टेंट रहेगा आई कैप कांस्टेंट रहेगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे आई और आर साइड में ले लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यहाँ पे आ जाएगा जे आर साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे आर ओमेगा और माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट, दिस इज वेलोसिटी। अभी हम लोग क्या करेंगे एक्सेलरेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, सो इसका मतलब क्या है, डी डी टी ऑफ यहाँ पे लिखेंगे माइनस आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। डेरिवेटिव ऑफ दिस ये तीनों कांस्टेंट आर यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट रेडियस वेक्टर कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आई आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा और डेरिवेटिव में एक ओमेगा आएगा, राइट। सेम यहाँ पे होगा माइनस माइनस क्यू, अभी बताता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट, साइन ऑफ ओमेगा टी एंड ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्योंकि एक ओमेगा और इसका एक ओमेगा आएगा, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा, आई आर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस जे आर साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आर आर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई क्या, मतलब ये जो ब्रैकेट है ये क्या है आर है, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अभी देखेंगे तो मतलब आर की डायरेक्शन से अपोजिट, रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन कैसी रहती है, हमेशा आउटवर्ड रहती, राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। ओके सो हम लोग अभी ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, बिकॉज वी अपॉन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, राइट। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ओके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस और आर कैप, क्योंकि ए और एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा बस यूनिट वेक्टर, इसलिए। ओके सो दिस इज रेडियल ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दोस्तों आज हमने सर्कुलर मोशन में जो स्टार्टिंग थी उसकी, सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और रेडियल एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जो एक डेरिवेशन है वो हमने देखा। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपने सारा पार्ट रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको हेल्प होगी। ओके टेक केयर, बाय बाय।